हेलो दोस्तों, मेरा नाम रजत प्रताप सिंह है। आज भी लीगल सपोर्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय दंड संहिता की धारा 364 के बारे में। दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की धारा 364 क्या है तथा इसमें क्या सजा का प्रावधान है, ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो आइए जानते हैं धारा 364 के बारे में। दोस्तों, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को इस इरादे से किडनैप करे कि वह उस व्यक्ति को जान से मार देगा, यानी कि उस व्यक्ति की हत्या कर देगा, तो दोस्तों उस व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 364 के तहत सजा मिलेगी। दोस्तों, दूसरी बात इस सेक्शन के अंदर और है कि उसी व्यक्ति को यह ऐसा कहे कि अभी नहीं, थोड़ी देर में तुझे मार देंगे, तो दोस्तों हत्या का डर पैदा करना और मार देना दोनों ही इस सेक्शन के अंदर आता है। दोस्तों, सजा का प्रावधान के बारे में बात करें तो जो व्यक्ति IPC की धारा 364 का उल्लंघन करता है और व्यक्ति को न्यायालय द्वारा 10 वर्ष का कारावास या उम्र कैद की सजा हो सकती है और जुर्माना भी दंडनीय हो सकता है। यह एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। दोस्तों, यदि कोई धारा 364 का उल्लंघन करता है तो पुलिस को अधिकार है कि भय उस व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपने जाना IPC की धारा 364 के बारे में। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।